हाजिर कर या पहला महाज रानी को। लेकिन अब सबसे बात है जब वो लोगों ने देखो को मेरे पापी से हाथ से आग पड़ जाएगा तो मेरा बेटा वो स्वर्ग मिलेगा, हम मरेंगे इस जंगल में तो मुझे कौन आग देगा। ठीक है, उसके लिए सोचता हूं माता के Oh,
तुम गुरु माँ बेटा के पास उसी जला रहा हूँ। मैंने
तुझे जीवन दान दिया कि मैं तुझे सहारा भी करेंगे, मैं तुम्हारा हर वक्त रहेंगे, 24 घंटा रहेंगे, तुम्हें किसी की तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे, चल मेरे साथ, आज समय तुम्हारा देखभाल करूंगा। तुम क्या सहारा करोगे मुसाफिर, जो सहारा करने वाला था तब का वो भी छोड़ करके चला गया, जो सहारा करने वाली थी अच्छा मैं समझ गया कि तुम्हारे सारे परिवार को मैं छोड़ करके चला गया, आज चली गई, यही बात है। क्या कर रहा है कभी मर्द का
है कि मुझे इस जंगल में ढूंढने के लिए नहीं सुना मेरे साथ चल मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे चले चले कहा तुम्हारा घर हो मुसा फिर तुम अपना नाम पता मुझे बता दिया उसके बाद तुम्हारे साथ जाऊंगा अगर तुम अपना नाम पता मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपना पता नहीं बताई तब तक मेरे साथ नहीं चलोगे नहीं चलोगे बस कोई बात नहीं है अगर ऐसी बात है तो हर दोनों जाने के बाद परी से बात हो जाना चाहिए ताकि दोनों भाई दोनों आदमी जंगल में जीवन के बीच जीवन को व्यतीत करें करें सुनने के लिए चाहते दूसरे
माँ पिताजी का पहला बेटा सफर करके संसार में कुछ नहीं है। ऐसा क्यों याद नहीं किया मेरे बेटा को धन के लालच में चैन का लीड सुना दिया है। इसी जंगल में दोनों माँ बेटा का लहस बना भाई साहब रानी भी ये संसार में अब नहीं है, वो भी मुझे छोड़ करके चली गई है। चलिए किसी तरह से दोनों भाई दोनों माँ बेटा का लहस बगल में गंगा जी बहती है उसमें जा करके संस्कार कर देंगे। आप यहाँ से वापस लौट करके मैं चले जाऊंगा और उसी गंगा जी में मैंने अपना चांद को दबा करके मर जाएगा। मेरे पास चलिए विलंब मत कीजिए भाई साहब। कि हम दोनों भाई को ईश्वर ने कौन सा मोर पर आकर के छोड़ दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात जब तुम कह रहा है कि दोनों लाश को दोनों भाई पकड़ हाथ पकड़ पकड़ करके गोद में ले लेकर के गंगा जी में डाल देगा तुम्हें सबसे बात लगता है। जो हमसे जो छोटी बहू है हिंदू धर्म अपने से छोटे को हाथ नहीं लगता। तुम अच्छी तरह जानता हूँ मैं अपने बहू का हाथ नहीं लगा सकता हूँ बल्कि बेटा का हाथ लगा सकता हूँ। चलिए किसी तरह से आप मेरे बेटा भागल के लहस को उठाइएगा। किसी तरह से मैंने आप भागल नारी का लहस को उठा करके गंगा जी में संस्कार कर देंगे। चलो मैं तुम्हारा बात मान लिया लेकिन मैं तुमसे एक बात और कुछ करने के लिए चाहता हूँ। क्या कर सकते हैं सारा परिवार का संस्कार करके हम दोनों भाई तुम्हारे साथ एकदम दोनों हाथ पकड़ करके ये दरियों में कूद करके दोनों भाई एक साथ जान दे देंगे। जब एक माँ से पेट से पैदा दोनों भाई मिले हैं तो एक ही जाकर के नदी में दोनों भाई हाथ पकड़ के डूब करके अपना जान दे देंगे। लेकिन आगे चलते चलते हम जानने के लिए चाहते हैं दोनों भाई एक बार गुरु महाराज से दर्शन कर लेने के बाद दोनों भाई को मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। गुरु महाराज आज 12 बरस होने के लिए जा रहा भाई साहब दर्शन का ठोकर खाया कोई देवी ना कोई देवता मुझे दर्शन दिया आज कौन आएगा दर्शन देने के लिए इस जंगल में। मन का भ्रम को छोड़ दीजिए भाई साहब चलिए दोनों माँ बेटा का लहस उठा रहे हैं। मरते दम तक आलस मन का भ्रम नहीं छोड़ी ठीक है तो आप मन का भ्रम को मिटा लीजिए भाई साहब देखेंगे कौन सा गुरु आपके सामने आते हैं। ठीक है तुम सबर करो मुझे एक बार गुरु महाराज सुन लीजिए। ठीक है para la chela para la chela
द्वारा इंतजार किया है। मेरा महाराज बोलो सिर्फ आपका ही जरूरत है। जीवन भर भेड़ा था, अब गुरु महाराज आपका दोबारा दर्शन हो गया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरा जीवन उजाला होने वाला है। गुरु महाराज मेरा बच्चा कलहस पड़ा हुआ है, मेरा भाई बाबू माधव से उसका कुछ रोग हो गया, वो मिले मुझसे, मेरी छोटी बहू आदि का उसका भी इलाज पड़ा हुआ। गुरु महाराज मुझे अपना मेरा बच्चा लौटा दीजिए, आपका ये हिसाब जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। तुम्हारा सभी परिवार ले चुका है, बिल्कुल ले चुका है, मुझे तो पहले मेरा बेटा चला। तुम्हारा बेटा नहीं था, वह मेरा शिष्य था, वह मेरा सेवक था। अरे रिश्ते में वह नागिन उसे घर खिलाई है, उसी टाइम उसे मौत मेरा हाथ में था, मेरा सेवक मरा है, अभी मेरा सेवक जिंदा है, मैं उसे प्राण को लगा दिया हूँ। तुम अपना बेटा को बुलाओ, आकर के तुम्हें सामने वह हाजिर हो जाएंगे। ऐसी बात है ठीक है गुरु महाराज, अगर ऐसी बात तुम्हारे बेटा को आवाज लगाइए।
दुनिया में दरबदर में ठोकर खाए, तुम्हारा कारण सारा परिवार गड़बड़ हुए हैं। ऐसा करो करो गुरु महाराज, गुरु महाराज सारी शरीर में कैंसर के, मेरा हमारा बाबू भगत सिंह का चेहरा खराब है और मेरी छोटी बहू रानी लाश पड़ी हुई है, जरा मेरा भाई को स्वस्थ करवा दो, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं सारी बात बताता हूँ। अरे मैंने इससे पहले ही बता दिया कि जिसके हाथ सर पर ये हाथ रख देंगे वो बिल्कुल टनाटन ठीक हो जाएंगे, जिसके बदन पर ये हाथ रख देंगे उसे कोई कुश्ती हुआ अच्छा हो जाएंगे। सबसे पहले तो तुम्हारा माँ मर चुकी है, तुम अपने माँ को सामने ले आओ और तुम्हारा पिता जो अभिमानी रावण है वो अपना अभिमान में चूर था कि हमसे बड़े ये संसार में कोई नहीं है, उसे जाकर रख ले, शरीर पर हाथ रख लो, उसे कुर्सी दूर हो जाएंगे, तो जाकर तुम अपना माता पिता को सही कर दो और तुम्हें ले आऊंगा। ठीक है